प्रिय बच्चों, आज आपकी हिंदी की पहली क्लास है। इस क्लास में हम आपको हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ाएंगे। हमारी हिंदी काव्य कहाँ से शुरू हुई, लेखन कहाँ से शुरू हुआ और सर्वप्रथम किस किसने क्या क्या काव्य के रूप में लिखा, आज हम ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो प्रिय बच्चों, हिंदी काव्य के इतिहास में हम देखते हैं कि सबसे पहले आदिकाल वीर गाथा का, जिस समय इसकी जो समय है वो 743 से 1343 ईस्वी तक है। 743 से पहले हमारे पास जो भी लिखित, जो भी गाया जाने वाला या लिखा जाने वाला जो भी साहित्य था, उसकी हमारे पास कोई संगठित रूपरेखा नहीं है। जिस समय 743 से 1343 के बीच में जो हिंदू राजा हुआ करते थे, हमारा पूरा भारत देश उस समय छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और वे सारे हिंदू राजा अपने दरबार में किसी न किसी कवि को रखा करते थे और उन कवि का निश्चित तौर पर यही कार्य होता था कि वो उन राजा की प्रशंसा के गीत लिखें। इसी प्रथा के चलते सबसे पहले दलपति विजय ने खुमान रासों की रचना की। ये जितने भी रासो काव्य हुए हैं, ये सब प्रबंध काव्य हैं। इन काव्य में ये सब प्रबंध काव्य हैं। इन काव्यों में कहीं ना कहीं राजमहल, राजदरबार की व्यवस्था, उनके रहने का तरीका, उनकी सारी व्यवस्थाएं, सोने का, रहने का, खाने का, पीने का, राजा की जो भी वीरता थी, उसका पराक्रम का और उसके जो गुण थे उनका वर्णन किया जाता है। ये सभी रासो काव्य है प्रबंध काव्य के रूप में, राजा और राज दरबार के गीतों से ही भरे हुए हैं। दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा, यह भी एक प्रबंध काव्य था जिसके अंतर्गत राजमहल की और राज दरबार की गतिविधियों का वर्णन था और राजा की वीरता के गीत थे। इसके बाद चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसमें पृथ्वीराज से संबंधित पृथ्वीराज चौहान के राज्य का सारा ब्यौरा दिया गया था। उनका राज दरबार, उनका राजमहल, उनकी वीरता और उनके जो भी युद्ध हुए थे उनसे संबंधित काव्य है चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है। इसके पश्चात सारंगधर की मीर रासो, जगन्नाथ की परमार रासो और नलपति नाल की बिसरदेव रासो भी प्रबंध काव्य से ही भरे हुए काव्य हैं। इसके उपरांत केदार भट्ट की जयचंद प्रकाश भी, ये भी एक काव्य गीत है। इसमें भी केदार भट्ट ने गीत काव्य की रचना की है। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि इस आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेष प्रवृत्तियां क्या थीं, विशेषताएं क्या थीं। सभी राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। पूरे भारत देश में बहुत सारे राजा थे और वे आपस में छोटे छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए युद्ध करते रहते थे और उन्हीं युद्धों के माध्यम से कोई किसी पर आक्रमण कर देता था, कोई किसी पर चढ़ाई कर देता था और जिसकी विजय हो जाती थी उसे उस भूमि का हिस्सा प्राप्त हो जाया करता था। उस युद्ध का ही वर्णन इन रासो ग्रंथ में लिखा हुआ है जिसे प्रबंध काव्य का नाम गया है। इसकी बहुत सारी प्रवृत्तियां थीं। राजा की वीरता के गीत, और प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे रसों का भी प्रयोग हुआ था। इसकी दूसरी प्रवृत्ति आएगी रसों का प्रयोग। रसों के प्रयोग के अंतर्गत हम जब पढ़ेंगे बिसरदेव रासो की, तो ये बिसर की जो राजकुमारी थी उनके ऊपर लिखा लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। उसमें उनकी सुंदरता और उनके प्रेरणा का वर्णन किया गया है जिसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। नंबर 3,
युद्ध का वर्णन। इन सभी ग्रंथों में हम युद्ध का वर्णन भी पढ़ते हैं। नंबर 4, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जितने भी कवि थे ये इनके दरबारी कवि थे, और ये जितना भी अपना विवरण लिखते थे इनके दरबार से संबंधित लिखते थे, क्योंकि इन राजाओं ने इन कवियों को आश्रय दिया था, इसीलिए ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा के गीत भी लिखा करते थे।